आपको पता है सबसे पहले जहन्नुम में कौन जाएगा? बोलो। काफिर नहीं, मुशरिक नहीं, शराबी भी नहीं, जानी भी नहीं, कातिल भी नहीं, चोर भी नहीं, डाकू भी नहीं। अव्वल मन तुसअर बिही नारु जहन्नम, सबसे पहले जिसे जहन्नम में डाला जाएगा, नहीं कहा जिससे जहन्नम को भड़काया जाएगा, वो कमबख्त ईंधन बन के जाएगा। यानी औरों की भी तबाही का सबब बन के जा रहा कि उसके जरिए से जहन्नम और भड़केगी। अव्वल मन यदखुल फिन्नार, नहीं फरमाया कि सबसे पहले जहन्नम में कौन जाएगा? मन तो सार, सबसे पहले जिससे जहन्नम को भड़काया, वो पहले इतनी भड़क रही है। इन्नहा लज़ा नज़ाअतन लिश्शवा तद्उ मन अदबर वतवल्ल वजमअ फअवा, पहले इतनी भड़क रही, फअंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, क्या खौफनाक है वो। इन्नहा तरमी बिशरमिन अलक़स्र कअन्नहु जिमालतुन सुफ्र, क्या हैबतनाक अल्फाज हैं कुरान के। और फिर इस बदबख्त को और बढ़कर इसको ईंधन बना। आलिम अव्वल मन तुसअर बिही नारु जहन्नम, आलिम मौलाना साहब। हाँ क्यों, सारी जिंदगी किस लिए किया था? तेरे लिए। क्या बात, बकवास करते, झूठ बोलते, तूने अपनी वाह वाह के लिए किया था। फिर शहीद, इसके खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले उस पर जन्नत वाजिब हो जाती, लेकिन नीयत का खोटा था। फिर सखी, इसके बारे में अल्लाह का नबी फरमाते हैं, अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, लोगों के करीब, जहन्नम से दूर। और अल्लाह को बखील से नफरत, सखी से प्यार, लेकिन मारा गया अपनी बदनीयती और बदअमली की वजह से, अपनी वाह वाह के लिए किया। डाल दो, ये तीन हैं जिनसे जहन्नम को भड़काया जाए।